अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब अहबाब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैदे के कामन मसाइल के हवाले से, तो नोट फरमा लीजिए। जैसा कि हमारी आजकल जल्दी का दौर है, तो इस में होता ये है कि हम बिला वजह खाना जो है जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, बिना चबाए खाने को निगल लेते हैं। तो उसमें नुकसान ये होता है कि हमारे अल्लाह पाक ने हमें सलाइवरी ग्लैंड अता किए हैं, जो कि हमारे मुंह में सलाइवा पैदा करते हैं, क्योंकि अल्कलाइन होता है। और जब हम खाना खाते हैं, मुंह में दांतों से खाने को चबाते हैं, बारीक चबाते हैं, ज़्यादा देर जितनी जो है खाना मुंह में रहता है, उतना ज़्यादा सलाइवा उसमें शामिल होता है। और जब यही खाना चबाने के बाद मैदे में जाता है, तो चूँकि मैदे में एसिड होता है, मैदे का जो लिक्विड होता है एसिड होता है, तो जो सलाइवा अल्कली जाता है, अल्कलाइन और एसिड आपस में तामुल करके जो है स्टोमिक की एसिडिटी को ख़त्म करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में जो है खाना जल्दी हज़म हो जाता है और गैस और बदहज़मी की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें एक और दूसरी कंडीशन बताऊँगा, जब हम खाना बिना चबाए खाते हैं, तो उसमें होता ये है कि जहाँ खाने को हमने कम चबाया, वहीं मैदे को चबाए हुए खाने को हज़म करने के लिए अगर आधा घंटा दरकार है, तो बिना चबाए हुए खाने को हज़म करने के लिए स्टमक को ओवरवर्क करना पड़ता है और आधे घंटे की बजाय एक घंटा लगाना पड़ता है। फिर हम खाने के दौरान अक्सर गलती ये करते हैं कि खाने के दौरान बार बार पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल यूँ ही ले लें, जैसे एक भट्टी में आग जल रही हो और उसके ऊपर से पानी डाल दिया जाए, तो उसकी हरारत कैसे बरकरार रहेगी और वो कैसे काम करेगी। तो इसी तरह मैदे का काम भी इसी तरह होता है। जब हम बार बार पानी पीते हैं, तो हम स्टमक के वर्क को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, यानी कि उसके टाइम को जो है जहाँ वो एक खाने को हज़म करने के लिए आधा घंटा या घंटा दरकार होता है, वहाँ पर दो घंटे लगा देता है। इसके नतीजे में हमें गैस, दिकारें, बदहज़मी का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा हम चिकनी तली हुई चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं, उस मामले में भी यही सूरत हाल का सामना होता है। तो इनके रिज़ल्ट में होता ये है कि हमारे पेट दर्द, आंतों के अमराज, कब्ज़, बवासीर, गैस, बदहज़मी, सर दर्द रहना, नींद की कमी का शिकार और चिड़चिड़ापन जैसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिन जो कि बढ़ के हमें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। खुश रहिए और दूसरों के लिए खुशियों का बायस बनिए। वस्सलाम, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपको स्टमक मसाइल, स्टमक की प्रॉब्लम में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, और फर्दर उसके हवाले से ट्रीटमेंट के हवाले से भी बताऊँगा। थैंक यू, वस्सलाम।